तो गाइस आज प्रॉमिस्ड मार्वल ने सुपर बाउल में एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है एंड आई नो कि हम सब द मार्वल्स का एक्सपेक्ट कर रहे थे बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का सेकंड ट्रेलर मिल गया है एंड ऑनेस्टली इसने डिसअपॉइंट नहीं किया और ट्रेलर में कुछ बहुत ही अमेजिंग ईस्टर एग्स और डिटेल्स देखने मिले जिन सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है पीटर क्विल के साथ। इसमें हम देखते हैं कि पीटर क्विल गमोरा के यादों में लिटरली बेवड़ा बन चुका है और उसके अब तक की जर्नी को रिकॉल करता है कि कैसे वो गमोरा से मिला था, कैसे उसे प्यार हुआ था और कैसे उसके बैंगन वाले बाप ने उसे मार भी दिया था। बट नाउ वो फिर से वापस लौट चुकी है बट लिटरली एक फैक्ट्री रीसेट फोन की तरह। देन अगले सीन में हमें गार्डियंस प्रिजन सूट्स में दिखते हैं एंड प्रोबेबली वो काउंटर अर्थ या हाई वोल्यूशनरी के सिटेडल के रिवोल्यूशन को देख रहे हैं वहां से बाहर निकलने के लिए एंड मे बी इसीलिए गमोरा स्टारलॉर्ड को अटैक भी करती है एज अ डिस्ट्रैक्शन। एज अगले सीन में हमें ये तीनों हाई वोल्यूशनरी के किसी वर्कर के साथ दिखते हैं जिसे बाय द वे डैनियला मेल्चियोर ही प्ले कर रही हैं और उनके पीछे कुछ मिट्टी फ्लेसी टाइप के स्पीकर्स लगे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि ये जगह हाई वोल्यूशनरी का वही वाला इनऑर्गेनिक फेस टाइप स्ट्रक्चर ही हो सकता है जो कि बेसिकली उसका एक प्रिजन है जिसमें ये लोग गार्ड्स हैं और प्रोबेबली इन्हीं लोगों ने ही ड्रैक्स और दूसरे गार्डियंस को शूट किया होगा। देन ऑफ कोर्स हमें नेब्यूला के न्यू हाथ का भी पहला लुक देखने मिलता है जो कि अपेरेंटली एक बर्निंग ब्लेड में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो कि लिटरली ऑसम है। देन फाइनली ट्रेलर का म्यूजिक हिट होता है रेनबो का सिंस यू बीन गॉन एंड ऑब्वियसली गाइस जेम्स का म्यूजिक सिलेक्शन में कैसे चूक सकते हैं, लाइक लिटरली इट वाज परफेक्ट। देन अगले सीन में गार्डियंस काउंटर अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि पिछले ट्रेलर में ही हमने देख लिया था कि एक अर्थ लाइक आर्टिफिशियल प्लैनेट है जिसे मूवी के विलन हाई इवोल्यूशनरी ने ही क्रिएट किया है अपने न्यूमन यानी ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स के रहने के लिए। देन अगला सीन प्रोबेबली हाई इवोल्यूशनरी के पास्ट के कुछ ग्लिम्पसेस हैं आज इसमें अब तक उसने वो साइबरनेटिक हेड इम्प्लांट नहीं किया है। देन बेसिकली वो अपने मोटिव्स रिवील करता है कि उसका एक ही अल्टीमेट गोल है कि जेनेटिकली एक परफेक्ट सोसाइटी को क्रिएट करना। और बेसिकली अगर आपको इसके बारे में इतना पता ना हो तो गाइस इतना ही जान लीजिए कि हाई इवोल्यूशनरी मार्वल यूनिवर्स का एक साइकोजेनेटिसिस्ट है जिसको एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें इवॉल्व करने का भूत सवार है। लाइक ये बंदा इतना पागल है कि इसने अपने खुद के ब्रेन को भी फुल कैपेसिटी तक इवॉल्व कर दिया है जिससे बेसिकली इसके पास अनलिमिटेड नॉलेज तो है ही बट ऑल्सो इसके पास साइनिक पावर्स जैसी एबिलिटीज भी है। सो गाइस इज लिटरली एक कॉस्मिक एंटिटी। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो मोस्टली हर जगह ये व्हाइट ट्रेंच कोट्स वाले खड़े हैं। सो प्रोबेबली ये कॉमिक्स के ऑनक्लेव वाले हो सकते हैं जो कि हाई इवोल्यूशनरी के साइंटिस्ट हों। और वैसे तो कॉमिक्स में ऑनक्लेव वालों ने ही एडम वॉरलॉक को क्रिएट किया था बट हो सकता है कि ऑनक्लेव वाले भी हाई इवोल्यूशनरी के लिए ही काम करते हों और हाई इवोल्यूशनरी ने आइसा यानी सोवरेन वालों की हेल्प की हो एडम वॉरलॉक को क्रिएट करने में, लाइक हु नोज। देन अगले सीन में हमें रॉकेट का पेनफुल ओरिजिन देखने मिलता है जब हाई इवोल्यूशनरी उसे काट-कूट के एक ह्यूमनॉइड बना रहा था एंड आई नो कि ट्रेलर यही इंडिकेट कर रहा है कि रॉकेट मर सकता है बट गाइस आई थिंक मार्वल बस अपना क्लासिक मिसडायरेक्ट कर रही है एंड रॉकेट नहीं मरने वाला एंड मोस्ट प्रोबेबली ड्रैक्स ही मरेगा बिकॉज ऑलरेडी बोल दिया है कि वॉल्यूम 3 उनकी लास्ट मूवी होने वाली है। सो इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या ही हो सकता है। बट हाँ गाइस इसमें रॉकेट का भी एक पेनफुल ओरिजिन स्टोरी देखने मिलेगा जिसमें उसकी मासूका यानी लाइला भी दिखाई देगी। सो हो सकता है कि लाइला भी इसमें मरने वाली है जो कि और भी सैड होगा। देन अगले सीन में हमें स्टारलॉर्ड एंड ग्रूट हाई इवोल्यूशनरी को एनकाउंटर करते दिखते हैं एंड मे बी हाई इवोल्यूशनरी ने गार्डियंस के कुछ मेंबर्स को शायद कैद कर दिया होगा। अस इसी सीन में हमें ग्रूट और स्टारलॉर्ड लड़ते हुए भी दिखाई देंगे। सो गाइस मैटर डेफिनेटली बहुत गर्म है यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें क्रैगलिन योंडू के एरो को पकड़े हुए दिखता है एंड गाइस आई थिंक फाइनली वो टाइम आ गया है जब क्रैगलिन योंडू के एरो को यूज करेगा एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। देन अगले सीन में हमें फाइनली एडम वॉरलॉक देखने मिलता है। लाइक एक सीन में तो वो नोवेयर पे है जिसमें वो ग्रूट और ट्रैक से लड़ रहा है, देन दूसरे में वो काउंटर अर्थ पे है एंड आई डोंट नो काउंटर अर्थ शायद डिस्ट्रॉय हो रहा है या एडम वॉरलॉक कोई फाइटर शिप से लड़ रहा है बट गाइस ये सीन पक्का एंड का ही होने वाला है क्योंकि लेटर सीन में जब स्टारलॉर्ड हाई इवोल्यूशनरी के शिप से कूदता है नीचे हमें बहुत से डिस्ट्रॉयड लोकेशंस भी दिखते हैं। सो प्रोबेबली एडम वॉरलॉक गार्डियंस के साथ मिल गया होगा और ये थर्ड एक्ट का ही सीन होगा।
होगा और इसी में हमें गमोरा भी एक बेहोश रॉकेट को पकड़कर भागते दिखती है एंड आई डोंट नो क्या चल रहा है बट मे बी वो हाई इवोल्यूशनरी से आजाद हो गए होंगे लाइक आई डोंट नो। देन हमें गार्डियंस के कुछ न्यू और नॉट सो न्यू मेंबर्स देखने मिलते हैं जिसमें पहले तो कॉस्मो जिसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं, देन दूसरे इस छोटे क्रीचर का नाम होगा ब्लर्ब एंड आई डोंट नो क्यूटनेस के सिवा इसके पास क्या पावर्स हैं बट गाइस आई थिंक ये हाई इवोल्यूशनरी का ही एक क्रिएशन होगा। देन इसके बाद स्टार लॉर्ड कहता है कि आर यू रेडी फॉर वन लास्ट राइड एंड आई एम प्रीटी श्योर ये एंड का ही सीन है एंड अभी तक तो सारे गार्डियंस दिख रहे हैं सो गाइस आई थिंक एटलीस्ट थर्ड एक्ट तक तो कोई गार्डियन नहीं बनने वाला लाइक होपफुली। देन फाइनली रॉकेट का वी विल ऑल फ्लाई अवे टुगेदर इनटू द फॉरएवर ब्यूटीफुल स्काई के साथ ट्रेलर खत्म होता है बट एट द एंड एक फनी सीन भी है गमोरा नेब्यूला एंड स्टार लॉर्ड के बीच एंड ऑनेस्टली गाइस इस नए गमोरा और इस मोर इंटरएक्टिव नेब्यूला को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ लाइक जेम्स गन की ही मूवी है लाइक इमोशनल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली ह्यूमरस भी होगी एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप एडम वॉरलॉक के ओरिजिन को जानना चाहते हैं तो गाइस साइड वाले वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।